नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट प्रिपेयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जेई का एग्जाम है, फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा उनसे सवाल पूछा गया था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके लेवल क्या थे, ये सारी चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। कितना आपने टोटल अटेम्प्ट किया? हमने टोटल 155 अटेम्प्ट किया। कितना? 155। 200 क्वेश्चन का एग्जाम था। बढ़िया। आइए बताइए कि तीनों सेक्शन में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा जिसमें रीजनिंग बनाए थे 47 और टेक्निकल कुछ पर्सन बनाए थे। अच्छा, रीजनिंग मतलब जीके जी उसमें खास अच्छा नहीं गया। अच्छा, ये बताइए कि आपका कौन सा पेपर था? सिविल। हाँ, सिविल। सिविल ही चल रहा है अभी। आपका कैसा रहा पेपर? जी सिविल इंजीनियरिंग था मेरा पेपर। हाँ। एवरेज रहा। कितना अटेम्प्ट किया? मैंने अटेम्प्ट पूरा किया हूँ। क्वेश्चन ईजी था, इस बार कट ऑफ जाएगा हाई, और जैसे कि पिछले बार जिस सब्जेक्ट से जितना तुक्के भी मारे क्या आपने? जी तुक्का मारा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था इसलिए। और पिछली बार जितना जो एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता था हर सब्जेक्ट से, पिछली बार सर्वे से 12-13 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार मात्र 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। और रीजनिंग का लेवल काफ़ी इजी था, रीजनिंग का नॉन टेक्निकल। एस्टिमेशन वगैरह सवाल था? एस्टिमेटिंग क्वेश्चन से 7-8-9 सवाल था लगभग। आरसीसी वगैरह से? आरसीसी सबसे ज़्यादा सवाल था, लगभग 15 सवाल आरसीसी था। अच्छा, दोनों आदमी पास में, ये तो बताइएगा दोनों आदमी। अच्छा, ये बताइए एनवायरनमेंट से सवाल था? हाँ, एनवायरनमेंट से। क्या सवाल था, याद है? क्वेश्चन था एनवायरनमेंट से सवाल था। कोई बात नहीं, कितने सवाल? एनवायरनमेंट से सवाल थे अच्छे खासे, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे थे जैसे कि डैम का लोकेशन पूछ दिया था सिर्फ, कि कौन सा डैम कहाँ है। जनरल नॉलेज डैम, भागीरथी डैम, ये सब डैम का पूरा पूछ दिया था एकदम। और ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन टाइप था नहीं, 10 क्वेश्चन रहा होगा जो कि रहता। अच्छा, न्यूमेरिकल वगैरह थे? न्यूमेरिकल भी था, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, वही 6-7 अलाउ है नहीं, तो उस टाइप का न्यूमेरिकल दे नहीं सकता है। सिंपल था जी, एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड। और बात करें कि सेकंड सेक्शन की जगह कैसा था? सेकंड सेक्शन क्या जिसका मतलब रीजनिंग था और एक और सेक्शन था ना, नॉन टेक। नॉन टेक तो एज यूजुअल जैसा रहता है, कितना भी पढ़ लीजिए। अच्छा, एवरेज ही रहेगा। तो मतलब उसमें करंट अफेयर्स क्या सवाल थे? करंट अफेयर्स लगभग 2023 का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया था। 24 का कुछ था? 24 का करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन था जो कि नए नए अपॉइंट हुए हैं, कोई डिप्टी जनरल वगैरह, अटॉर्नी जनरल वगैरह। और इलेक्शन से लेकर कुछ था? वो तो ज़्यादा नहीं। इलेक्शन से और पास नहीं। आपका कैसा गया एग्जाम? ठीक था। पेपर ठीक। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 160 अप्रॉक्स। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग में कैसे सवाल थे, किस किस से सवाल थे, कितने कोडिंग डिकोडिंग कितने सवाल थे? कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज का लेवल, जो ऐसा बच्चा नंबर सीरीज में बोलता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, नंबर सीरीज का लेवल एकदम इजी था, सबसे इजी नंबर सीरीज ही था अप्रॉक्स में। रीजनिंग में सबसे टफ क्या था? रीजनिंग मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट। कोई सेक्शन होगा ना जो रीजनिंग में इससे टफ था? सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि टफ कैप हो जाता? सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन था जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रैंकिंग के थे, और जैसे कि क्या कि वर्ड दे दिया तो उसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज करके आप बताइए कि वर्ड फॉर्मेशन वगैरह भी था। हाँ, वो सारे आप क्या बोले? वही रीजनिंग में जो थे कि एक रैंकिंग का था, रैंकिंग का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन था जो कि टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी 2-3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ऐसे थे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था एकदम। तो काफ़ी सिंपल हो गया। डायरेक्शन सेंस टेस्ट कैसा था? ब्लड रिलेशन वगैरह? ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन से जो कोडिंग। अच्छा, ये बताइए कि बताते जाइएगा सवाल कितने पूछे गए, जैसे हिस्ट्री से कितने सवाल थे? जीके जीएस हम लोग उतना ध्यान देते, हिस्ट्री से ही नॉन टेक में सबसे ज़्यादा रहे होंगे। कितने होंगे सवाल, क्या कुछ याद है किससे पूछे गए थे? 5-6 से ऊपर ही होगा। किससे पूछे गए थे? मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेज वगैरह से पूछे गए थे? स्वतंत्रता संग्राम वगैरह से? नहीं, महात्मा गांधी सवाल थे? नहीं, एक क्वेश्चन था ये कौन समाज का संस्थापन कौन था, ये सब ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले को पता। अच्छा, ये बताइए कि ज्योग्राफी से क्या सवाल थे, नदी पहाड़ झरने वगैरह ये सब? ज्योग्राफी से एक तो डैम का क्वेश्चन आ रखा था, वो तो टेक्निकल में सुना पूछने को मिला था। टेक्निकल आप हो तो दोनों में आप दे सकते। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और क्या था ज्योग्राफी में, कुछ और नहीं था जैसे कि पड़ोसी देश वगैरह के बारे में, कोई मुद्रा इसलिए ये सब? नहीं। इकोनॉमिक्स क्या था सवाल? इकोनॉमिक्स से M1 M2 ऐसे कुछ करके था, कमोडिटी वैल्यू वगैरह था। करेंसी के बारे में था, करेंसी करेंसी क्या कहा जाता है। अच्छा, और इकोनॉमिक्स से क्या सवाल था? इन्फ्लेशन वगैरह से सवाल थे? नहीं था। और इसरो वगैरह से सबसे कुछ सवाल, फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म नहीं था, नहीं था। अच्छा, एक फुल फॉर्म नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि अवार्ड एंड ऑनर सवाल थे, अवार्ड वगैरह, नोबेल प्राइज वगैरह? पद्म श्री, नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो दिया गया है। कितने सवाल थे अवार्ड एंड ऑनर से? वो तो ऐसे 2 सवाल क्वेश्चन था। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह से क्या सवाल थे? स्पोर्ट्स से तो एकदम इजी क्वेश्चन था, क्रिकेट में कितने टीम प्लेयर हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं, वही आंसर था 11। काफी सिंपल था। और ऐसे कुछ नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह किसी देश का, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। और कुछ बुक वगैरह, बुक एंड ऑथर्स क्या थे? बुक एंड ऑथर्स से भी कुछ एक भी नहीं पूछा गया, गजब। और आपको ओवरऑल पेपर देखे, आपने पिछला पेपर देखा था?
आप लोगों ने पिछला पेपर देखा था, जैसा कि स्टेटमेंट पर क्वेश्चन में बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, इस बार उतने था नहीं, मगर क्वेश्चन इजी था, कट ऑफ 120 अप्रॉक्स एज्यूम कर सकते हैं जनरल का, काफी आसान था इस बार। अच्छा, पिछले बार से आप लोगों ने दिया था पिछली बार एग्जाम? पिछली बार नहीं दिया था मैंने, लेकिन आपने देखा था क्वेश्चन तो उसके हिसाब से। जी, क्या लगता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैंने बेस्ट ऑफ लक क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। रीजनिंग में एक साइन इंटरचेंज का भी था। हाँ, रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का जो होता है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रख दो, एकदम इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का। रीजनिंग में 45 कोई बच्चा स्कोर कर सकता है। रीजनिंग में देखिए, अरेंजमेंट हो गया, साइन इंटरचेंज हो गया, कोडिंग से हो गया, और वही अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है वो हो गया। मेनली तो कोडेड ही था, कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन था। टेक्निकल सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से था, और बर्नौली वगैरह से था, बर्नौली थ्योरम में सब, मतलब वेलोसिटी विस्कोसिटी निकालने के लिए था, और एक भी क्वेश्चन क्लॉक कैलेंडर से नहीं था। अच्छा, एप्लीकेशन वगैरह से सवाल पूछे गए थे कि मतलब इस थ्योरी का क्या एप्लीकेशन, ऐसे कुछ सवाल? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखने को। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया।